नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कुशीनगर से है, जहां आखिरी मतदान के दिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखाई। जो बीजेपी के कोर वोटर थे, उन्होंने भी अपना नाता बीजेपी से तोड़ा और सीधे बदलाव वाली बातें कही। आप खुद देखिए, सी न्यूज भारत के संवाददाता राशिद बिल्ला ने कुशीनगर के मतदाताओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा। इस वक्त कुशीनगर के खट्टा विधानसभा में और आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैं पूछा हूँ कि कितने साल उम्र है तो बता रहे थे 70 साल उम्र है, और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। हमको लग रहा है कि इससे पहले जो चार बार तो वोट दे चुके होंगे अब तक। आप वोट दिए इससे पहले कितने बार दिए हैं आप? औरत का नहीं। अच्छा, आपके वाइफ का नहीं आया है? इससे पहले आता था उनका? हमेशा होता। तो क्या हो गया, वोट कट गया है क्या? हाँ, कट गया। अच्छा, ये किसकी गलती है, वोट कटा है क्या? अब हम पर सही से जान के कर गलती है। अच्छा, नाम क्या आपका? भोला। भोला, आगे पीछे कुछ और नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। भोला यादव जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, आपका नाम? वोट दे दिए हैं। अच्छा, नहीं है, मेरे घर में नहीं कटा। आपके घर में नहीं कटा, नाम क्या आपका? असलम अंसारी। असलम अंसारी जी। अच्छा, लोग किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, मुद्दा क्या है? परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन लाना चाहते हैं। सभी लोगों का एक ही मुद्दा। अच्छा, इधर आ जाइए, आपकी उम्र ज्यादा है, 70 साल उम्र है। 70 साल में आप क्या देखे हैं, अभी 10 साल में आपको क्या अंतर दिखाई दिया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे किसानों का आय दुना कर देंगे, तो अभी नहीं सका। हर बोरे में 5 किलो खाद भी कम हो गया, रेट भी ज़्यादा हो गया, तो किसान का आय दुना कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में परिवर्तन कर दिया। तो अभी तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं लोग कि 70 साल में जो नहीं हुआ हमने 10 साल में करके दिखा दिया। बात सही कह रहे हैं कि 70 साल में नहीं हुआ है, 70 साल राज कैसे हुआ? 50 साल तो कांग्रेस राज की, अब इतनी 10 साल ही राज किए हैं, बीच में और कुछ था तो 75 साल तो हो गए आज़ादी, तो 75 साल कैसे आज़ाद किए वो कांग्रेस किए थे? या झूठ में वादा, झूठा वादा, वादा झूठा काम। अभी तो खुश है ना मोदी जी से? अभी खुश हम नहीं हैं, हम किसान हैं, खुश नहीं हैं। आय दुना करने के लिए कहे थे, क्यों नहीं दुना हुआ? खाद में 5 किलो कम कर दिया गया, मिट्टी का तेल गरीबों का उजाला होता था, आज दुकान अपने अधीन होते हुए दे दिया। वह बिजली की, भाई बिजली से लोग काम करेंगे, अपने तरफ से ठीक कहे, लेकिन मिट्टी का तेल रहता तो हम 10 रुपये से खरीद अपना काम जीविका चला लेते थे। गैस का सिलेंडर 450 रुपया था, 1250 रुपया हो गया, तो कैसे हम खुश रहेंगे? महंगाई इतना चरम सीमा पर चल रहा है, दे रहे हैं कि 150 ग्राम राशन 5 किलो, 50 ग्राम राशन किसान को दाल चला कर जीवित रह सकता है? कभी नहीं आएगा वो। आपके एसी में तो आप जी सकते हैं, चाय पी लेंगे, पकौड़ी खा लेंगे, लेकिन हम उधार खेत में फावड़ा चला कर आना है तो 50 ग्राम चावल बने उस समय पेट का भोजन हो जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं पूरा परिवर्तन देश का हो जाए, कि कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। आवास की बात है तो बड़ी मकान है, उनका आवास दोबारा मिल रहा है, किसान छोटे छोटे मर रहे हैं, पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनका भी आवास नहीं मिला। शौचालय का कर रहे हैं, सुबह शौचालय का 1200 रुपया, सुबह शौचालय कैसे बनेगा? जिससे लोग भी 12000 में। तो इसीलिए हम लोग देख कर इनके वादे से खिन्न है। फर्जी बोली, फर्जी भाषण, फर्जी वादा, मंच पर कुछ और, पेपर में कुछ और, काम कुछ और। अच्छा, अभी 1914 में तो आप लोग मोदी जी को ही वोट दिए थे ना, तो आखिर खुश थे तभी दिए थे? देखिए, परिवर्तन करना तो हम आपको चाहते हैं लाना, आपको ले आ दिया तो आपको हम अगले जाने क्या आप करेंगे, कुर्सी दे दिए तो हम तो सोच रहे थे कि नया परिवर्तन किए कि मोदी जी आएंगे, हमारे देश का सुधार होगा, तो उनका कारोबार देख लिया हम लोग, तो हमसे मोदी जी से हम लोग खिन्न है। काम तो किए हैं, 370 हटा दिए और इसके अलावा भी बड़ा बड़ा काम किए हैं। हाँ बताइए, 370 हटा दीजिए, अयोध्या जी में मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, आप अपने माता पिता का सेवा नहीं करेंगे तो मंदिर में अल्लाह है और भगवान का पूजा करेंगे, अपनी बाप माताई को गाली देंगे, जूता मांगे तो उससे संगे में चले जाएंगे, पूजा तो होता है बाप माताई का, तो जब यहाँ आप स्थान छोड़ दिए तो मंदिर मस्जिद में अल्लाह और भगवान बैठे हैं,
परिवर्तन के लिए बनाया गया, कहाँ आप नौकरी देंगे, कैसे बेरोजगारी जाएगी, उम्र कितनी महंगाई ज्यादा दिखाई दे रही है, महंगाई बताइए ज्यादा कैसे दिखाई दे रही है, ये आप 5 किलो राशन फ्री 45 रुपया खरीद फ्री राशन मिल रहा है, देश कहाँ जा रहा है, अच्छा ही है, एक पैसा देकर 3 पैसा ले रहे हैं, ये अच्छा है, 1 पैसा अच्छा है, 1 पैसा खिलाकर हर जीएसटी दे रहे हैं, हर सामान का महंगा पड़ गया, तो राशन क्या होगा हमको, इस देश के ऊपर किसान ऊपर बोझ पड़ा, चावल मिला फ्री दे रहे हैं तो पैसा कहाँ जाएगा, हमारे पास नोट छापने की मशीन लगेगी, मानी नहीं छाप कर उसका खत्म हो जाए, इसका मतलब किसान जब एक तरफ देंगे तो एक दुन्ना एक तरफ लेंगे, बहुत खुल करके बोल रहे हैं और दर्द दिखा रहे हैं अपना, हम लोगों ने मोदी जी को 2 बार मौका दिया, लेकिन अब चचा का कहना जो है आपने सुना है, इधर भी बहुत लोग हैं, आपका क्या नाम है भाई, आप क्या नाम है, इसीलिए हमारा क्षेत्र क्या नाम है, क्या नाम है, वोट नहीं डाले बड़ू, अभी वोट नहीं खुद डाला है, वोटो दे बड़ू, अच्छा चाची वोट ही देने के लिए आई है, जाइए पहले वोट दे लीजिए, आप वोट दे दिए हैं, अच्छा किस नाम पे वोट दिए हैं, विकास के नाम पे, जात के नाम पे, बदलाव के नाम, बदलाव के नाम, बदलाव क्यों, विकास तो होता है गवर्नमेंट में, क्या दिक्कत है, अच्छा अब आप बताओ, बात तो लास्ट के दिन है वोटिंग का, क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हो, अब किसका नसीब होगा कौन जानता है, क्या नाम है, अरे रमेश हार छाई हार किसका सबसे नंबर है, क्या माहौल है, क्या चाल है, इसका दिमाग दे जी, अपना दिमाग बताइए क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।